हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बाबा मैथ्स वाला। और आज हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इंटीग्रेशन का डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आप एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 7.4 को बनाने सीख लिए तो आप समझ लीजिए कि इंटीग्रेशन आपके हाथ में हो जाएगा, क्योंकि ये जितना भी फार्मूला है आपका, ये पूरा फार्मूला का उपयोग यूज जो है हमारा, वो एक्सरसाइज 7.4 कराता है। और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो इसलिए एक्सरसाइज 7.4 का एक एक क्वेश्चंस आप करने पक्का सीख जाइएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपका, वो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 3x² डिवाइडेड बाई x का पावर 6 प्लस 1 dx, ये क्वेश्चन है आपका। अब यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करो आप, ध्यान से देखो, तो यहाँ पे x का पावर 6 है, तो इस तरह का तो इंटीग्रेशन हम कभी किए ही नहीं, तो क्या करें। तो आप ये सोचो कि ऊपर 3x² क्यों दिया है। 3x² किस चीज़ का डिफरेंशिएशन हो सकता है, एक्स क्यूब का, क्योंकि एक पावर ज़्यादा करोगे आप एक्स क्यूब का। तो क्या हम लोग एक्स का पावर 6 को एक्स का पावर क्यूब के रूप में बदल सकते हैं। तुरंत जवाब आएगा, अरे हाँ बदल सकते हैं। कैसे, ऐसे 3x² डिवाइडेड बाई, इसको लिख देंगे एक्स का पावर 3 और उसका पावर 2, हो गया ना 3 × 6 और प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हो dx। अब तुम यहाँ पर पुट कर दो, सब्स्टिट्यूट कर दो एक्स का पावर 3 को t, जैसे ही x का पावर 3 t होगा, ये हो जाएगा 3x² इज इक्वल टू dt। और x² का डिफ्रेंसिएशन dx आपको पता ही है, यहाँ तो dx लिखते ही हो, है ना। x³ का 3x², फिर x का dx और t का dt। अब क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन 3x² dx, ये पूरा का पूरा dt में मिल जाएगा। और नीचे हो जाएगा हमारा कितना, x³ को आप t पुट किए हैं, तो ये t² प्लस 1² तो आपका कौन सा फॉर्मूला हो गया, टेन इनवर्स वाला, है ना। एस याद है आपको, इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस t² और dt, तो डायरेक्ट टेन इनवर्स वाला फॉर्मूला याद आना चाहिए। तो टेन इनवर्स t और प्लस c, t क्या पुट किए थे आप, x³, यानी कि ये आंसर हो जाएगा आपका टेन इनवर्स x³ प्लस c। ये सब तभी काम करेगा जब आपको फॉर्मूला बहुत ही तेज याद हो, फास्ट याद हो, तो इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। अब पढ़ते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/√1 प्लस 4x² dx, तो इसको क्या करें आप, ये तो डायरेक्ट इसमें अगर x का टर्म नहीं है तो आसान हो गया ना क्वेश्चन, इसे हम लोग ऐसे लिख देंगे 1/√1 का स्क्वायर प्लस 4x² को लिख देंगे 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये किस फॉर्मूला पे टूटेगा, तो आपका इंटीग्रेशन 1/, इसको पहले भी लिख सकते हो 1/√2x का होल स्क्वायर और प्लस 1², ठीक है, और dx, तो ये आपका इस फॉर्मूला पे टूटेगा √x² प्लस a² याद करिए, देखिए 1/√x² प्लस x² बस x के जगह पे क्या है 2x, तो आपको याद होगा इंटीग्रेशन में बहुत पहले ही हमने आपको बताया था कि अगर x हमारा रिप्लेस हो ax प्लस b से, तो आप इंटीग्रेशन जैसे नॉर्मली करते हो करो, और लास्ट में जो x का कोफिशिएंट है उससे डिवाइड कर दो, है ना, डिवाइड कर दो। तो अब इसको हम लोग दो मेथड से बनाते हैं, एक तो डायरेक्टली हम बना देते हैं क्या कि भैया ये फॉर्मूला √x² प्लस a² का क्या होता है, log mod x प्लस √x² प्लस a², यही होता है ना फॉर्मूला, और प्लस c, तो x के जगह पे क्या है हमारा 2x, x के जगह पे क्या है 2x, ये फॉर्मूला है बस दिमाग में रखिएगा, ये हमने आंसर नहीं लिखा है, हमने फॉर्मूला लिखा है। तो ये कितना हो जाएगा log mod x प्लस, तो x का मतलब हो गया 2x प्लस, और √x² प्लस a², तो यही तो है पूरा x² प्लस a², यानी कि 2x का होल स्क्वायर और प्लस 1² हो गया ना x² प्लस a², तो ये तो आपका क्या आ जाएगा, ये तो आपका 2×4 ही हो जाएगा, यानी कि log mod, और फाइनली आपको क्या करना है, फाइनली आपको क्या करना है 2 से डिवाइड करना है, ठीक है जी। तो ये कितना हो जाएगा log 2x प्लस √2×4 x² और प्लस 1 और डिवाइडेड बाई 2 और प्लस सी, ये हो गया आपका आंसर। अब मेथड टू देखिए, इसका मेथड टू क्या है कि जैसे ये इंटीग्रेशन आया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x का होल स्क्वायर, अंडर रूट में तो रहेगा ही और प्लस 1², आप इंटीग्रेशन क्या देखे थे √x² प्लस a² का, x के जगह पे तो 2x नहीं देखे थे, तो आप क्या कर लो कि 2x को तुरंत पुट कर लो t, जैसे ही 2x को पुट करोगे t, तो अब ये 2 बाहर, x का डिफ्रेंशिएशन dx और t का डिफ्रेंशिएशन dt, यानी कि dx बराबर हमारा हो जाएगा 1/2 dt, क्योंकि हम इस 2 को उधर भेज देंगे। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिएगा क्यों 2 से डिवाइड हो जाता है, इसका जवाब हम दे रहे हैं। हमने बोला ना कि x अगर ax प्लस b से रिप्लेस है, तो
तो x के कोफिशिएंट से डिवाइड होता है, उसका कारण यही है। अब इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, dx के जगह पे आप क्या लिखोगे 1 बाई टू डी टी, तो ये 1 बाई टू हो गया और dt डिवाइडेड बाई रूट ओवर 2x का होल स्क्वायर है, तो 2x को t माने थे तो ये t स्क्वायर और प्लस 1 स्क्वायर हो गया। फिर वही फॉर्मूला इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर वाला विथ रिस्पेक्ट टू, अगर x रहता था तो x होता था, t है तो t में होगा, तो ये 1 बाई टू बाहर और log mod t प्लस अंडर रूट t स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस c। अब t क्या है, तो t आपका 2x है, तो हो गया ना आंसर, आप कर लो ना 1 बाई टू और log, यहाँ के बाद इस स्टेप पे आ जाइएगा, log mod t की जगह पे आप क्या पुट करोगे 2x प्लस अंडर रूट 2x का होल स्क्वायर, तो दो दुना के 4x स्क्वायर और प्लस 1 प्लस c, ठीक है। तो इसीलिए फाइनली हम लोग दो से डिवाइड क्यों करते हैं आपको मालूम चल गया, क्योंकि वो आना ही आना है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो ये बहुत इजी है, कैसे कैसे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ही तो है, बस x को रिप्लेस कर दिया गया है लिनियर से ए एक्स प्लस बी से, तो यहाँ पे x क्या c से रिप्लेस हुआ है, तो माइनस x और प्लस 2 से, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, आप इसका इंटीग्रेशन जानते हो। आपको बताए थे कि अगर कभी भी इंटीग्रेशन में नॉर्मल इंटीग्रेशन तो इसका अगर रहता तो ये होता अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्योंकि वन को तो हम वन स्क्वायर लिख ही सकते हैं, लेकिन एक्स हमारा रिप्लेस हो सकता है किस चीज से, ए एक्स प्लस बी से। तो जैसे आप इंटीग्रेशन करते हो वैसे करो, लास्ट में बस एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना, एक्स के कोफिशिएंट से डिवाइड कर देना। तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन कर लो, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, लॉग मॉड है ना x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस सी। लेकिन अब अभी हमारा x जो है वो रिप्लेस हो चुका है किस चीज से, तो x रिप्लेस यही ना है x हमारा और ये ए स्क्वायर है, तो x रिप्लेस हुआ है हमारा 2 माइनस एक्स से और a रिप्लेस हुआ है हमारा 1 से, तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका, तो log mod x, तो x के जगह पर 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो x के जगह पे क्या है 2 माइनस एक्स, तो x का होल स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, प्लस ए स्क्वायर का मतलब प्लस 1 स्क्वायर और प्लस c। लेकिन हमने बोला था कि x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड होगा, तो डिवाइडेड बाई x का कोफिशिएंट क्या है माइनस 1, तो माइनस 1, तो ये तो माइनस हम बाहर लिख लेंगे, माइनस log mod 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट, इसको तोड़ दो आप, तो ये दो दुना के 4 हो जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूटेगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 2ab से दो दुना के 4x हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा प्लस c। अब इस माइनस को लॉग की प्रॉपर्टी से हम लोग पावर में ले जा सकते हैं, इसके ले जा सकते हैं, बिल्कुल ले जा सकते हैं। तो अब क्या हो जाएगा देखिएगा, ये केवल आंसर मैच कराने के लिए किया जा रहा है, नहीं तो हमारा आंसर तो अभी आ चुका है, हमने इंटीग्रेशन कर दिया मतलब हमारा काम हो गया, यानी कि लॉग मॉड 2 माइनस एक्स और प्लस अंडर रूट, अंडर रूट अब इसको देखो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस 4x होगा और प्लस 5 हो जाएगा और पावर माइनस 1, क्योंकि यहाँ पे माइनस है तो पावर में लिख सकते हैं, ठीक है। अब पावर माइनस होने की वजह से इसे हम लोग 1 बाई करके लिखते हैं, जैसे आपको मालूम होगा कि 2 का पावर माइनस 1 होता है तो 1 बाई 2 होता है, तो उसी तरह से लॉग ऑफ इसे हम लोग लिख देंगे 1 बाई 2 माइनस एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 और प्लस सी। ये तो इंटीग्रल कॉन्स्टेंट है, वो तो आता ही रहता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर हो गया। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई अंडर रूट 9 माइनस 25 एक्स स्क्वायर, तो इसे हम लोग ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बना सकते हैं, है ना। तो क्या हो जाएगा ये इंटीग्रेशन 1 बाई अंडर रूट, इसको हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर माइनस 25 को लिख सकते हैं 5 एक्स का होल स्क्वायर। तो ये किस फॉर्मूला की तरह वर्क करेगा याद करिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्मूला की तरह, ठीक है ना। क्या हो जाता है फॉर्मूला आपका, तो साइन इनवर्स एक्स बाई ए और प्लस सी। अब यहाँ पे बस ये दिमाग में रखना है कि ए क्या है यहाँ पे, तो ए हमारा 3 है और एक्स क्या है हमारा, तो वो है 5x। तो बस बाइनली बात याद रहे कि जैसे हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं करेंगे, लेकिन लास्ट में हम लोग एक्स का जो कोफिशिएंट 5 है उसे डिवाइड कर देंगे, बस हमारा काम हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा डायरेक्ट हमारा साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो एक्स तो हमारा 5x है और बाई ए तो हमारा 3 है,
और प्लस सी, लेकिन ये डिवाइडेड बाई केवल इसमें कितना होगा डिवाइडेड बाई एक्स का कोफिशिएंट यानी कि 5, यानी कि 1/5 और साइन इनवर्स 5x/3 और प्लस सी, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें लिखा हुआ है कि इंटीग्रेशन ऑफ 3x/1+2x⁴। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये 2x⁴ है और dc अगर सोचा जाए तो x² का ही dc जैसा है, नहीं क्योंकि x² रहता है तभी तो 2x आता है, x⁵ को कम हो जाता है। तो यहाँ पे आप ये सोचें सबसे पहले कि ये x² की को टी पुट करने की कोशिश करिए, ठीक है, x² को टी पुट करने की कोशिश कीजिए, तो पुट ही कर दीजिए बिना सोचे समझे, है ना, x² + t। तो ये क्या हो जाएगा, 2x, फिर x का dx और ये dt, यानी कि x dx = 1/2 dt, ठीक है, x dx = 1/2 dt। तो ये अब हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, 3 है पहले से और x dx के जगह पे 1/2 dt, यानी कि ये हो गया 1/2 dt। 3 तो पहले से था, x के जगह पे x dx जो था यहाँ पे उसके जगह पे हमने क्या लिख दिया, 1/2 dt, और नीचे 1+2x⁴ है, यानी कि x² को आपने टी पुट किया तो 2 रहने दीजिए, और इसे आप ऐसे लिख सकते हैं x² का स्क्वायर लिख सकते हैं, और x² को आपने टी माना है तो ये इंटीग्रेशन 3/2 कांस्टेंट है बाहर कर लीजिए, ये dt हो गया, ये 1+2t², ठीक है जी। तो अब ये हमारा इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3/2 और इंटीग्रेशन dt अपॉन, आप इसे लिख सकते हैं a² + x², कैसे, 1² + 2 को लिख सकते हैं √2 और t और इसका स्क्वायर, है ना, √2t² अब ये हमारा काम कर जाएगा किस पे, a² + x² वाला फार्मूला पे। तो a² + x² अगर रहता था तो क्या फार्मूला हो जाता था, यहाँ पे तो 1 है तो 1 वाला याद रखिए, 1+x² वाला, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1+x² क्या हो जाएगा, tan इनवर्स x + c। बस यहाँ पे यही अंतर है कि x जो है हमारा √2t टाइप हो गया है t, तो बस फाइनली हमको वही करना है √2 से डिवाइड, तो 3/2 बाहर रहेगा और ये हो जाएगा tan इनवर्स x, तो x के जगह पे √2t और प्लस c, और फाइनली इसमें हम लोग √2 से डिवाइड करेंगे, यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 3/2√2 और tan इनवर्स √2t और प्लस सी। इसमें आपको टी को पुट करना होगा ना, टी जो माने थे x², तो ये कितना हो जाएगा, 3/2√2 और tan इनवर्स √2 और t के जगह पे x² और प्लस सी, ठीक है। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन पर, ये x² और यहाँ पे x⁶, हमेशा नीचे वाला से ये इन्फॉर्मेशन निकालने का कोशिश करिएगा कि किस चीज़ को t पुट करें तो ऊपर dc बन जाए। तो x² dc मिलाना है, मतलब x³ को डिफ्रेंशिएट करना होगा, तो इस x⁶ को हम लोग x³ के रूप में बदल देंगे, तो 1 - x⁶ को लिख देंगे x³ और उसका power 2, और तुरंत हम लोग यहाँ पुट कर देंगे यहाँ पे, तो x³ t, तो ये हो जाएगा 3x², फिर x का हो जाएगा dx और फिर t का हो जाएगा dt। तो यहाँ तो x² dx है, कोई दिक्कत नहीं, x² dx के लिए हम लोग को 3 को बस उधर भेजना होगा, तो ये 1/3 dt, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन, x² dx की जगह पे 1/3 तो कांस्टेंट बाहर कर लेंगे, और dt डिवाइडेड बाई 1 - x³ की जगह पे t कर देंगे, तो ये t², ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/3 और dt / 1 - t², तो ये हो जाएगा हमारा, इसको हम लोग 1² लिख सकते हैं। तो अब ये फार्मूला क्या हो जाएगा, याद आया, अंडर रूट नहीं है, है ना, अंडर रूट नहीं है, अंडर रूट रहता तब साइन इनवर्स पे जाना, है ना, अंडर रूट नहीं है, तो अगर पहले a है तो फार्मूला क्या हो जाता है, 1/3 तो बाहर रहेगा, 1/2a, और ln अगर a से शुरुआत है तो a+x, यानी कि 1+t और नीचे 1 - t प्लस सी। अब t क्या पुट किए थे आप, x³, यानी कि ये हो जाएगा 1/3 × 6 और a की जगह पे क्या है आपका 1 है, तो ये तो 1 ही लिख दो आप, तो 1/6 और ln को आप log ही लिखें, और 1 + टी के जगह पे हम लोग लिख देंगे x³, तो 1+x³ / 1 - x³ + c, ठीक है जी। अब बढ़ते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए, ऊपर लिनियर नीचे क्वाड्रेटिक, ऊपर लिनियर और नीचे क्वाड्रेटिक, कैसे करेंगे,
डायरेक्ट आपको सोचना है कि इस नीचे वाला फंक्शन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, उसको ऊपर सेट करिए बिना सोचे समझे, यानी कि x माइनस वन के जगह पे नीचे जो फंक्शन है उसका डीसी करिए, तो एक्स स्क्वायर माइनस वन का डीसी क्या हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, तो आप बिना सोचे समझे ऊपर 2x लिख दें, माइनस वन का डिफरेंशिएशन जीरो, ठीक है जी, ये हो गया कहानी खत्म। अब देखिए कि ऊपर तो x माइनस वन लाना था, तो ये तो 2x आ गया, तो 1/2 कर दें आप, ठीक है 1/2 कर दें आप, तो ये आपका x आ गया। फिर अलग से आपको माइनस वन लिखना पड़ेगा, इसमें अलग से माइनस वन लिखना पड़ेगा, ठीक है, और नीचे आपका हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब क्या करें आप, इस चीज को इसमें और इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर दें, है ना, या फिर डायरेक्ट भी इसमें क्या कर सकते थे आपकी एक्स स्क्वायर माइनस वन को टी पुट कर देते तो भी आपका काम बन जाता, ठीक है जी। तो अब यहां पे आप क्या करें, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर और ये 2x, और नीचे क्या हो जाएगा आपका अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, फिर माइनस इंटीग्रेशन 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन, ये dx और यहां भी dx, ठीक है। अब देखिए अगर यहां पे देखिएगा ध्यान से, तो 1/2 और इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वन, इसका पावर माइनस 1/2, क्योंकि नीचे में रूट है, और इसी के बगल में ये जो फंक्शन है इसको हम ऐसे समझेंगे कि फंक्शन का पावर n और f(x), तो यहाँ पे 2x तो ये है और dx, और माइनस इसका तो डायरेक्ट फार्मूला आपको याद आना चाहिए, है ना, 1/√ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, तो log mod x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। इसका डीसी क्या होगा, 1/2 बाहर, ये फंक्शन का पावर n और f(x), तो फंक्शन का पावर n प्लस वन डिवाइडेड बाई n प्लस वन, यानी कि 1/2 बाहर रहेगा और एक्स स्क्वायर माइनस वन इसका पावर माइनस 1/2 प्लस वन डिवाइडेड बाई माइनस 1/2 प्लस वन, और माइनस log और मॉड x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन स्क्वायर और प्लस सी। तो ये क्या होगा, यहां से देखिएगा माइनस आधा है और प्लस वन है, तो हाफ बचेगा, उस हाफ से ये साफ हो जाएगा, उस हाफ से क्या हो जाएगा, ये साफ हो जाएगा। अब यहां देखिए, ये एक्स स्क्वायर माइनस वन का पावर एक्चुअल में प्लस 1/2 होगा, तो उसको आप अंडर रूट लिख सकते हैं, और माइनस log ऑफ मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वन प्लस सी, दिस इज योर आंसर, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में भी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर है और नीचे एक्स का पावर 6 है, तो एक्स का पावर 6 को देखते ही आपको यह समझना चाहिए कि किसका डीसी है भाई, किसका डीसी है भाई, तो ये एक्स स्क्वायर डीसी हो जाएगा एक्स क्यूब का, तो इसे एक्स क्यूब के रूप में बदलें, तो एक्स स्क्वायर डीएक्स रहने दें, और नीचे ये हो है उसको क्या लिख दें, अंडर रूट में इसे एक्स का पावर 3 और उसका पावर 2, और प्लस ए का पावर 6 को आप ए का पावर 3 और पावर 2 लिख दें, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, सब्स्टिट्यूट करिए, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, है ना, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और फिर x का dx और इधर हो जाएगा dt, तो ये इंटीग्रेशन बदल जाएगा एक्स स्क्वायर dx के जगह पे 1/3 हो जाएगा ना उधर जाके, तो 1/3 बाहर कर लेते हैं और dt, और इधर रूट अंडर एक्स क्यूब को हम t लिख सकते हैं, यानी कि ये t का स्क्वायर, और प्लस एक क्यूब रहने दें और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये किस फॉर्मूला की तरह वर्क कर रहा है, तो आपको साफ दिखाई दे रहा होगा कि ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस ए स्क्वायर की तरह वर्क कर रहा है। तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के लिए क्या फॉर्मूला होता है, लॉग वाला, यानी कि ये हो जाएगा 1/3। देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 तो पहले से बाहर, और लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा x के जगह पे t और प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी कि ये पूरी कहानी, यानी कि आपको लिख देना होगा t स्क्वायर और प्लस a क्यूब का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा का पूरा ही प्रिंट हो जाएगा। तो आप t के जगह पे क्या पुट कर देंगे, एक्स क्यूब है, तो लॉग मॉड t के जगह पे आप क्या कर दें, एक्स क्यूब प्लस अंडर रूट ये t का स्क्वायर है, तो एक्स क्यूब का स्क्वायर करोगे तो x का पावर 6 हो जाएगा, और प्लस a का पावर ये 3×6 हो ही जाएगा, यानी कि a का पावर भी 6 और प्लस c, हो गया आंसर, ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्या कह रहा है,
इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स और यहाँ टेन स्क्वायर एक्स प्लस फोर। अब कुछ नहीं करना है, टेन एक्स को टी पुट करें आप, टेन एक्स को आप जैसे ही टी पुट करेंगे तो टेन का डिफ्रेंसिएशन हो जाता है सेक स्क्वायर एक्स, फिर एक्स का डी एक्स और इधर टी का डी टी। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह पे क्या लिख देंगे, डी टी, और नीचे अंडर रूट टेन स्क्वायर की जगह पे हम लोग लिखेंगे टी, तो टी का स्क्वायर, और चार को लिख देंगे हम लोग टू का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला फिर से बन गया है ना, क्या हो जाएगा, लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एक्स की जगह पे तो टी है, तो टी प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो यही टी स्क्वायर प्लस टू स्क्वायर प्लस सी। तो टी की जगह पे क्या पुट करेंगे आप, तो लॉग मॉड टी की जगह पे आप पुट करेंगे टेन एक्स, तो ये हो जाएगा टेन एक्स और प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर मतलब टेन स्क्वायर एक्स, और प्लस दो का स्क्वायर मतलब दो दुना के चार, और प्लस सी। हो गया आंसर। इस वीडियो में हम लोग बस यही नाइन क्वेश्चंस को रहने देते हैं, क्योंकि अगला जो टाइप है ना उसमें हम लोग बहुत खास बातें सीखेंगे, वो अलग तरह का ही एक पैटर्न वाला क्वेश्चन है। तो अगला जो क्वेश्चन होगा हमारा 10 से लेके आगे वाला, उसको हम लोग नए तरीका से नए वे से सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।